嗯。 सो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग मेरे नाम हो दीपक और आपसी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे अच्छे से ब्लेंडर को यूज कर रहे होंगे नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे सो so, गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वालों कि कैसे आप ब्लेंडर में क्लॉथ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट क्लॉथ सिमुलेशन मतलब अगर आपको छोटा मोटा क्लॉथ का इफेक्ट क्रिएट करना है तो आपको क्लॉथ सिमुलेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज सम टाइम वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है आपको जस्ट एक टूल बताने वाला हूँ ब्लेंडर में जिसकी मदद से आप परफेक्टली क्लॉथ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ डिलीट करता हूँ डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक प्लेन एंड प्लेन ऐड करने के बाद उसको मैं कैसा करता हूँ स्केल स्केल करूँगा उसमें अप्लाई बिकॉज ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप कोई भी चीज़ स्केल कर रहे हैं तो उसको स्केल अप्लाई ज़रूर कर दें उसके बाद जाऊँगा उसके एडिट मोड में और यहाँ पे मैं बेसिकली सब डिवाइड कर दूँगा एटलीस्ट हंड्रेड टाइम ताकि हमारे पास बहुत अच्छा मैश हो जो कि हमारे लिए अच्छा होगा क्रिएटिंग द्लॉथ ऑल एट दन उसके बाद यहाँ पे मैं अपने एडिट मोड से चेंज करके जाऊंगा अपने स्कर्प मोड में एंड स्कर्प मोड में जाने के बाद तो यहाँ पे आप अगर हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जिसका नाम है क्लॉथ बेसिकली ये क्लॉथ का फिल्टर है एक तरीके से ठीक है जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्रश आएगा यहाँ पे आप उसका रेडियस छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे उसके स्ट्रेंथ है कि कितनी स्ट्रेंथ से वो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी टेक्चर ऐड कर सकते हैं बट अभी मैं किसी टेक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ ना यहाँ पे हम किसी ब्रशेस की बात कर रहे हैं हम बाय डिफॉल्ट चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे ना ही मैं आप सीमेट्री की बात करूँगा ना ही मैं डायनाटॉप की बात करूँगा मैं जस्ट बात कि कैसे आप सिंपल इस ब्रश से किसी भी तरीके का क्लॉथ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं ओके सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे क्लॉथ का इफेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको हल्का पे ड्रैग करना है जैसे आप ड्रैग करेंगे और आप अपने माउस को जैसे ही घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि पे यहाँ पे क्लॉथ का इफेक्ट बनना शुरू हो गया है ट्रिक क्या है मैं कंट्रोल जेड कर रहा बेसिकली एक बार जब आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ये हल्का सा क्लॉथ को फोल्ड करता है उसके बाद आप उसको छोड़ेंगे तो उसको ये स्मूथ करता है ठीक है पर उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले यहाँ पे एक क्लॉथ का इफेक्ट क्रिएट करना होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ ये मैंने पे क्लॉथ बनाया और जैसे ही आप पहले बार ट्राई करेंगे उसमें क्लॉथ का इफेक्ट बनता है दूसरी बार यहाँ पे क्लॉथ बेसिकली स्मूथ हो जाता है तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ ये मैंने यहाँ पे क्लॉथ बनाया मैं उसको थोड़ा सा और अच्छे करूंगा ये यहाँ पे देखो स्मूथ होना शुरू हो गया फिर से फिर से यहाँ पे किया अब यहाँ पे देखो अभी क्या है मैं क्लॉथ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पर बहुत कम स्ट्रोक यहाँ पे मिल रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले हल्के से इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करता हूँ हल्का सा इसका रेडियस भी इंक्रीज करता हूँ जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बड़ा यहाँ पे देखो क्लॉथ बनेगा ये देखिए परफेक्ट लग रहा है ये मैंने स्मूथ किया पहली बार में ड्रैग कर रहा हूँ दूसरी बार में स्मूथ कर रहा हूँ ये देखिए ये स्मूथ हुआ right? तो मैं इसको हल्का ड्रैग करता हूँ ये मेरा कपड़ा अब परफेक्टली लग रहा है ये देखिए तो मैं इसको हल्का सा फोल्ड करता हूं और हल्का सा यहाँ से भी परफेक्ट परफेक्ट और हम इसको ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं देखिए और हमें ऐसे रोटेटेड कपड़ा चाहिए तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर रोटेटेड कर दिया अब मैं क्या करता हूँ एक बार यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड से बाहर जाता हूँ यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर राइट क्लिक करूंगा और करूंगा शेड एंड ऑटो तो स्मूथ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक परफेक्ट क्लॉथ का इफेक्ट है ऑलराइट right. मैं दोबारा जाऊंगा स्कल्प मोड में और कुछ भी अपडेट करनी है देखिए परफेक्टली अपडेट हो रही है देख रहे हैं तो अगर आपको छोटी मोटा क्लॉथ का कोई भी इफेक्ट क्रिएट करना है तो आप इससे क्रिएट करें बहुत परफेक्टली होता है और आपको ज़्यादा ये बेकिंग का चक्कर भी नहीं पड़ेगा कि आपको बेक करनी कोई चीज़ें बस आप परफेक्टली यहाँ पर देखिए कितना परफेक्टली यहाँ पर ये क्लॉथ हो गया है ठीक है अब इसमें एक टेक्सचर डालता हूँ जस्ट अ सेकेंड ऑलैट्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लॉथ का यहाँ पे टेक्सचर डाला और देखो परफेक्टली यहाँ पे ये यह क्लॉथ का टेक्सचर लग रहा है ऑल एट right. तो इस तरीके से आप परफेक्टली क्लॉथ क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फिजिक्स सिमुलेशन क्लॉथ सिमुलेशन बहुत ही कुल cool ट्रिक है आई थिंक आपको यूज करनी चाहिए एंड इसके ऊपर मैं एक अपडेटेड और डिटेल वीडियो और देखा आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे ब्रश अलग अलग तरीके से यूज़ करके परफेक्ट स्ट्रोक बना सकते हैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए एंड इस वीडियो को ले इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो so अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे जनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर एंड स्टे होम गाइज موسیقی